ईरान में नाबालिग बलूच लड़की से रेप के बाद भड़का बलूच समुदाय का गुस्सा। आरोपी पुलिस कमांडर के खिलाफ बलूचों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ईरानी पुलिस ने प्रदर्शन को चलने के लिए गोलियां बरसाई। ईरानी पुलिस की फायरिंग में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट की ये तस्वीर, वजह एक नाबालिग बलूच लड़की से रेप के बाद ये गुस्सा भड़का है। तो देखिए, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। बलूचिस्तान में जिस तरीके के हालात है, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर लगातार बलूचों के साथ जुल्मों सितम ढाया जाता है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। बलूच समुदाय का गुस्सा भड़का, एक नाबालिग बलूच लड़की के साथ पहले रेप होता है। सड़क पर बलूच समुदाय के लोग उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से आवाजें आप सुन रहे हैं, फायरिंग की एक के बाद एक, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं इन लोगों पर जो कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए थे। 39 लोगों की अभी तक के प्रदर्शन में मौत की खबर है। आरोपी पुलिस कमांडर के खिलाफ बलूचों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है। ईरान की महिलाएं पहले से ही महसा अमीनी की मौत के बाद गुस्से में हैं। अमीनी की मौत के विरोध में ईरान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। उस बीच जेहदान शहर में 15 साल की बलूच लड़की से रेप ने ईरानी महिलाओं के गुस्से को और भड़का दिया है। नाबालिग से रेप के विरोध में कल जुमे के दिन ईरान में जोरदार प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को नमाज के बाद बलूच समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पुलिस ने बलूच समुदाय की आवाज दबाने के लिए गोलियों की बरसात कर दी। बता दें कि पिछले सप्ताह ईरान के एक पुलिस कमांडर पर अपने ही दफ्तर में एक 15 साल की बलूच लड़की से रेप के आरोप लगे थे, जिसका नाम कर्नल इब्राहिम खुचा कजई है। ईरान के प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हमीद ने नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी की पुष्टि भी की थी। ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में सुन्नी बलूच आबादी रहती है। कल बलूच समुदाय के नेताओं ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेहदान शहर का बड़ा हिस्सा प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में है। पुलिस स्टेशनों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।